जो सबसे पहली जो बात है जो हम लोग को समझना चाहिए कि आखिर हम किसी व्यक्ति का रोज लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लोग मृत्यु होती है, हम किसी व्यक्ति का जन्म दिवस या निर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं, ये बात समझने की। मुझे लगता है कि शायद वैसे लोग इस धरती पे जो जिंदा रहते हुए मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी कर लेते हैं उन्हीं का हम लोग ये कार्यक्रम मनाते हैं, अदरवाइज तो लोग आते हैं चले जाते हैं। माता सावित्री बाई फुले के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं और मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, लेकिन आज के देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, उस संदर्भ में हमें माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले को समझने की ज़रूरत है, उनके दर्शन को समझने की ज़रूरत है। ज्योतिबा फुले पहले स्कूल खोले और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने पहले अपनी पत्नी को ट्रेंड किया, तो अगर पत्नी ट्रेंड हो जाए और आपके साथ काम करे तो इससे बेहतर कोई दुनिया में और विकल्प हो ही नहीं सकता है। इसलिए जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं सबसे आग्रह भी है कि शिक्षा को लेकर कभी भी बेटा और बेटी में भेद न करें, क्योंकि जाहिर है हम लोग कितना भी सभाओं में मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अभी भी एक पुरुष प्रधान समाज है और एक पुरुष का वर्चस्व समाज और परिवार पर है। हमें तो लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग घर में कम से कम एक डेमोक्रेटाइज एक प्रजातांत्रिक स्वरूप बनाएं और कम से कम भेदभाव न करें। साथियों, इस देश को बनाने में बेसिकली बहुजन लोगों ने इस देश को बनाया, इस राष्ट्र को बनाया है, और राष्ट्र का सर्टिफिकेट कोई वैसे लोग बांट रहे हैं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जिनका राष्ट्र को बनाने में कोई खास योगदान नहीं रहा, ये सैद्धांतिक समझ हमारी है। माता सावित्री बाई फुले उन्होंने स्कूल खोला, सबसे ज़्यादा फोकस डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, ये बात समझने की है। अगर पूरे दर्शन को आप देखेंगे ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर, तीनों के दर्शन में एक समानता है और उस समानता क्या है, वह है शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर का ही पहला कोट, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। प्रिंसिपल थी, पहली प्रिंसिपल थी यहाँ पे जो सिर्फ बच्चियों के लिए, महिला के लिए जो स्कूल खोला था उसका भी नहीं, किसानों के लिए भी स्कूल उन्होंने खोला था और आजीवन सामाजिक कार्य करते नहीं, और इसी दरमियान वो प्लेग की से ग्रसित हो गई और मर गई। अब हमें ये समीक्षा करना है कि आज से 187 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और शिक्षा के लिए उन्होंने लगातार काम किया और जिस तरीके से घर से निकलती थी और उनके ऊपर कीचड़ फेंके जाते थे और मलबे फेंके जाते थे, दो कपड़ा लेकर जाती थी और एक बदल कर फिर वापस लौटती थी घर, तो हमें समीक्षा करनी है अपनी कि आखिर 150 वर्षों में और आज़ादी के 70 वर्षों में हमने क्या किया है, वाकई उनके दर्शन के उनके विचारों को हमने समझा है, उसको आत्मसात किया है, उस पर काम किया है, एक खाली मोर और लेस एक औपचारिकता भर रह गई। शिक्षित कौन है, शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो, अन्यथा हम सब साक्षर हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक ढेला भर काम नहीं किया है, ये ईमानदारी से हम लोग को ये बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने स्कूल खोला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्कूल कॉलेज तमाम खोले, हमने पूरे देश में आज तक कोई संस्था नहीं बनाई, ये हमें समझने की जरूरत है। आज देश में जो हालात है, अभी कल आपने देखा, कल परसों जो है भीमा कोरेगांव घटना हुआ है, सहारनपुर हुआ है, ऊना हुआ है, रोहित व मुला हुआ है, पटना अभी भागलपुर में बिंदी कांड हुआ है, और तमाम देश में जिस तरह के हालात हैं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और जिस तरह का तनाव है वो महसूस कर सकता हूँ कि लगातार ये देश बाइपोलर हो रहा है, ये सीधा मनोजन और बहुजन के बीच बढ़ता जा रहा है। हमारे जो राजनीतिक सांस्कृतिक शत्रु हैं उनसे सीखने की भी ज़रूरत है,
उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज बनाए। एक दिन में नहीं होता ये सब, मठ और मंदिर तमाम इंस्टीट्यूशन बनाए, संस्थाएं बनाई, संस्था में विचारधारा का निर्माण होता है और संस्थाओं से ही भविष्य का बौद्धिक नेतृत्व तैयार होता है। अभी मैं सुन रहा था, कई साथी बात कर रहे थे कि PCS और IAS और तमाम बनने की बातें जरूर बनना चाहिए, मैं उसके कोई विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय एक नहीं सैकड़ों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल लीडर्स बनाइए, बौद्धिक लीडर्स बनाइए। मैं इस सभा में कहना चाह रहा हूँ और हमसे जितना सहयोग हो पाएगा, कम से कम हम एक ढंग का स्कूल तो खोलें कि जो हमारे राजनीतिक शत्रु हैं वो अपने स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा हुआ व्यक्ति, विचारधारा की लड़ाई तो संस्थाओं से होती है। हम MLA, MP, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब होता है क्षणिक, तात्कालिक होता है कि आप रहते हैं और जब आपके मृत्यु के 100 साल बाद आपको कोई जानता भी नहीं आप कौन है। असली लड़ाई तो विचारों की संस्थाओं से शुरू होती है, वैचारिक संघर्ष वहाँ बनता है। हमने अपने स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, नहीं तो बाबा रामदेव जो है रोहित बमुला के को मारने वालों के साथ नहीं रहता ना, वो चीवर पहन के बौद्ध भिक्षु बनता। तो मुझे लगता है अपने बच्चों को हमें ये फ्यूचर जनरेशन लीडर्स तैयार करने, इंटेलेक्चुअल लीडर्स। लीडर का जो मैं बात जब करता हूँ तो लीडर का मतलब MLA और MP सिर्फ नहीं होता है, लीडर एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है। इंटेलेक्चुअल लीडर, लिखने पढ़ने वाले लोग, विचारक। हमारे पास विचारक नहीं है, क्योंकि जितने लोग हमारे सब पढ़ते हैं, जितने हम जैसे सब वाइट कलर लोग सब, हम लोग आप सब साहब हैं, सब अच्छी नौकरी करते हैं, सब मिला जुला के अपने बच्चे को वही मैनेजमेंट और सरकारी नौकरी और तमाम आरक्षण तो इसे भी ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स बनाने बंद कर दिए। तो जब हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनाएंगे, जब हम लिखने पढ़ने वाले लोग, वैचारिकी उत्पन्न करने वाले लोग नहीं बनाएंगे, तो हम माता सावित्री बाई फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और फूले साहब के सपनों को, इसके दर्शनों को कहाँ पूरा कर पाएंगे। कि जब आप सरकारी नौकरी में, कई बार भी नागपुर था मैं, बाम सेठ के एक अधिवेशन में गया था बोलने, मैंने एक बार, मैं जितनी सभाओं में जाता हूँ कई लोग लिखते हैं कि हमें इस देश का शासक बनना है, तो हाथ पूछता हूँ एक बार कि जरा आप हाथ उठाइए तो कौन कौन लोग अपने बेटा को लीडर आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं। तो अमूमन बहुत कम हाथ उठते हैं कि जब आप अपने बच्चों को लीडर नहीं बनाएंगे, उसमें बौद्धिक ताकत नहीं डालेंगे, उसमें वीर भाव नहीं डालेंगे, तब तक आप अच्छे शासक, आप कहाँ से इस देश के शासक बनेंगे। आप सरकारी नौकरी करेंगे अपना, उससे व्यक्तिगत मुक्ति संभव है, लेकिन जमात की मुक्ति के लिए एक बहुत समर्पण, बहुत ही त्याग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा मैनेजमेंट गुरु बने और पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने, डॉक्टर अम्बेडकर बने, उनके लिए आंदोलन आप कीजिए, क्रांति आप कीजिए, बाकी हम लोग जो है हम लोग अपना आराम से एयर कंडीशन में रहेंगे। मुझे लगता है वाकई इनके विचारधारा को, इनके दर्शन को अगर पूरा करना है तो हम सबको मिलकर एक बढ़िया सावित्री बाई फुले शिशु विहार खोलना चाहिए। और जब तक हम ये नहीं खोलेंगे, भाई जिसके स्कूल में आप पढ़ेंगे उसी की भाषा बोलेंगे ना, उसी के दर्शन बोलेंगे। तो हमारे पास स्कूल नहीं, हम दूसरे के स्कूल में पढ़ने जाते थे उसी की भाषा बोलते हैं, जाने अनजाने सारे, बहुत सारे ऐसे संस्कार हम कैरी करते रहते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं हमारे बीच गुजरे, वैसे संस्कार हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है, मैं पटना में भी बोल रहा था, नागपुर में उन्होंने बहुत बड़ा कैंपस एक बनाया है, हमने कहा कि अगर वाकई इसको स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में तब्दील करना चाहते हैं तो आप जब बुलाएंगे 100% इसमें सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि जो राजनीति, समाज और शैक्षणिक जो व्यवस्था होती है सब अलग अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर 24 घंटे आप सामाजिक काम कीजिए और जब चुनाव होने जाए तो अपने राजनीतिक शत्रु को वोट दे दीजिए, तो आपके सामाजिक कार्य करने का कोई मतलब नहीं, आपको अपने शत्रु पहचानने पड़ेंगे। तो ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते भी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि असली लड़ाई शिक्षण संस्थानों में है। अब इस बात को गौर से सोचिए कि आपको हजारों साल तक शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया। शिक्षा वही है
जो आपके गुलामी की जो जंजीर है उसको तोड़ने के लिए, अदरवाइज तो आप मंत्री बहुत मंत्री को जानते हैं यहाँ पे, एमपी एमएलए सबको जानते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी को हम जानते हैं, कितना वो काम कर पाते हैं, कितना नहीं करते हैं, किस परिस्थिति में वो रहते हैं, वो सब हम लोग जानते हैं, हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं। तो इसीलिए इनकी श्रद्धांजलि इनके प्रति हमारी यही होगी कि एक हम लोग कोशिश करना चाहिए कि एक जिस तरीके सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं ना, चल रहे हैं इस देश में, इन लोगों ने उनसे सीखने की जरूरत है कि वो आने वाली पीढ़ी की तैयारी करते हैं। और आपके राजनीतिक शत्रु आपसे तीन पीढ़ी ज़्यादा वो लीडर्स तैयार करके बैठे हुए हैं, और हमने अभी लीडर्स नहीं तैयार किए, हम अपने लिए जीते हैं, हमारा चार फ्लैट हो जाए, हमारा सब अच्छा हो जाए, सारा सेटल हो जाए, नो। जब आने वाली पीढ़ी के लिए जमात की जब आप बात करेंगे, जमात की बात करेंगे, आने वाली पीढ़ी से लीडर्स तैयार करने, नए नौजवान साथी कहीं बैठे हुए हैं, इनको ट्रेंड कीजिए, उनको पढ़ाइए। आप क्या समझ रहे हैं कि डंडा से डरता थोड़ी हो, कलम से डरता है। एक आर्टिकल आप लिखते हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है, आप जो बोलते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है। आज तो हमारे पास कम से कम सोशल मीडिया अभी बैठे हुए हैं मनोज साहब, इनकी वजह से हम लोग को अमेरिका इंग्लैंड तक भी लोग कुछ लोग जान गया कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं इधर। तो साथियों मुझे लगता है कि अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है, और आप अगर नहीं जगे अभी तो आप समझ रहे हैं कि भीमा कोरेगांव और सहारनपुर, हर जगह सहारनपुर है, दिल्ली में भी सहारनपुर है, दिल्ली में भी ऊना है, हर जगह जितने मंत्रालय और जितने पार्लियामेंट हैं वहाँ भी एक एक आदमी का दमन हो रहा है। तो अगर आप बाहर नहीं निकले और हिम्मत नहीं दिखाए, आज़ादी कभी उपहार में मिलता है क्या? आज़ादी संघर्षों से मिलता है हर समय, और सब हम संघर्ष करना छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारे शत्रु जो हमारे बीच में से तोड़ देता है, इसी में से तोड़ देता है, नहीं तो उनकी संख्या कितनी, संख्या कम है। हमारे बीच में से तोड़कर आज वो तमाम संस्थाओं पे, भारत में तमाम, आज संविधान खतरे में है। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा, मैं आरक्षण तो, आरक्षण की समीक्षा तो आपकी हो रही है, आरक्षण तो खत्म है, अब मान लीजिए आप पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हम लोग सब अपने अपने में मस्त। इस देश का संविधान खतरे में है, और जब संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान का मतलब आरक्षण खाली नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट समझने की जरूरत है कि संविधान का मतलब, संविधान एक पहला आधुनिक दस्तावेज है जो कि हर व्यक्ति को प्रजा से नागरिक बनाता है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन। और जब आप नागरिक कहते हैं तो नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो सबको मिलते हैं। मैडम शायद पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो इस संविधान खतरे में है, लगातार हम लोग देश के कई भागों में जाकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे एक कहावत है कि शादी में पान का पत्ता नहीं मिलता है तो लोग कहता है पान का डंडी लाओ, उसी से काम चला लेंगे। तो इस आंदोलन में इनकी जो, इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से हमारे कोट और बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हैं। अगर हम लोग बाहर नहीं निकले, आप जिस भी तरीके से हो आप नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप 10 रुपये किसी को चंदा दे दीजिए, 500 रुपये चंदा दे दीजिए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए। अगर आप इस ऐतिहासिक घड़ी में अगर आप बाहर नहीं निकले और विरोध के स्वर, विरोध का स्वर मतलब प्रश्न करना, सवाल उठाना, आपसे मेरिट का सर्टिफिकेट मांगता है लोग और आप चुपचाप हंस के मुस्कुरा के रह जाते हैं, नो। जिसने कभी जिंदगी में एक सुई नहीं बनाई वो क्या मेरिट का सर्टिफिकेट, मेरिट की बात करेगा? आपको उलट के सवाल पूछना चाहिए कि अपना दिखाओ पहले, अपना मुसलमान से देशभक्ति का और दलित पिछड़ों से आप मेरिट का सर्टिफिकेट जो लोग मांगते हैं उनकी वजह से देश सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा है। तो आप सवाल करना आप शुरू कीजिए, और मुझे लगता है कि सबसे जो बुनियादी बात है वह है प्रश्न करना। ये पूरा जो लड़ाई है वो मिथक और विज्ञान के बीच है भाई। मिथकीय मनु बाबा आप रखिए, वो आपके बाबा है, और हमारे पास पूरी वैज्ञानिक परंपरा है, पूरे गौतम बुद्ध से लेकर और तमाम डॉक्टर अंबेडकर तक हमारे पास पूरी वैज्ञानिक परंपरा है, और हमने सवाल करना छोड़ दिया है, इसीलिए हमारे पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं। अरे कई बार आप लोग सब ऑफिस में काम करते हैं, माथा की नसें जो है ना, नसें पहले फाड़ देता है बॉस वहाँ बैठ कर। कोई आदमी सुरक्षित नहीं भारत में, यहाँ का मंत्री भी सुरक्षित नहीं, मैं जानता हूँ। डर के मारे भीमा कोरेगांव हो गया, किसी के नेता के मुंह से आवाज नहीं निकली वहां पे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि देश में क्या हालात है? तो साथियों मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि जिस व्यवस्था में हम हैं उसको सिर्फ एक चीज से डर लगता है, प्रश्न करने से, मौलिक प्रश्न करने से। हमने प्रश्न करना छोड़ दिया है अपने नेताओं, शिक्षा का काम ही यही होता है, शिक्षा का। और बहुत आप
इसको समझने के लिए बहुत जरूरत नहीं है इसकी। काम ही यही होता है कि आपको वैज्ञानिक तरीके से आप प्रश्न पूछें, हमने व्यवस्था से और अपने नेताओं से भी, अपने नेताओं जिनको तथाकथित आप अपना नेता कहते हैं। भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, डॉक्टर अम्बेडकर ही लिखे हैं, बोले हैं संविधान सभा के समक्ष, लेकिन राजनीति में भक्ति मुक्ति का मार्ग नहीं है, तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने अपने नेताओं से भी सवाल करना छोड़ दिया है, इसीलिए देख रहे हैं आजकल हर जगह वन मैन शो है, कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं, नो डेमोक्रेसी, नथिंग एट ऑल। जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था वो परंपरा आ रही है, ज्योतिबा फुले से पूरी परंपरा आ रही है, वो संविधान खतरे में है। और इसको खतरे में लागू करने के लिए, लाने के लिए हमारे 130 सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो जितने लीडर्स बैठे हुए हैं इस देश में, वो सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं, मैं सबको कह रहा हूँ। इसलिए समय आ गया है साथियों, ये सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए, नहीं तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं, ये तो आप निश्चित मान लीजिए। 20-21 साल में पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन कितने ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट हमने बनाए होंगे, हमारे स्टूडेंट कितने बने होंगे, 20 साल पढ़ा, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो लगातार व्यवस्था पे सवाल खड़े करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उन पे कैसे कैसे मुकदमे डाले जाते हैं वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दर्जनों मुकदमा हम लोग जैसे लोग एक्टिविस्ट लड़ते रहते हैं, लेकिन उसमें आपको पता भी लगता है कि वो आदमी लड़ रहा है, उसको पता है लड़ रहा है, लेकिन आप कभी जाके उसका हाथ ऐसे कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं बढ़ाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसी तरह चिकन मुर्गा, एक मुर्गा कट गया दूसरा दाना चुगते रहता है कि मेरी बारी नहीं आएगी, एक एक करके सबकी बारी आती है, पता लगता है कि अगले सेकंड जो है दूसरे की बारी आ गई। तो ये समझिए हमारे अंदर जो पूरे डिफरेंसेस हैं, जात नहीं जमात की ओर चलिए, और जब तक आप जमात नहीं बनाएंगे, जब तक आप सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, हो सकता है अरे मेरा कंधा लीजिए, इस पे पांव रखिए और गोल कीजिए, यहाँ पे तो ये है सिस्टम कि नहीं हम ही गोल करेंगे, नहीं होगा, अकेले आप नहीं कर सकते, हमारे कंधे पे कंधा, जब जब आप सब लोग अपना अपना कंधा ऐसे लगा देंगे कि आप चढ़ो और नए लड़का को, 20 साल का लड़का को उठाइए इधर, देखिए कैसे गोल करता है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इसलिए शिक्षा का पूरा जो उनकी बुनियादी थी माता सावित्री बाई फुले का, वो सिर्फ बीए में करके नौकरी लेना नहीं था, इंक्रीमेंट लेना नहीं था, टीए डीए लेना नहीं था, वो शिक्षा का मतलब था वैसी शिक्षा जो आपकी दिमाग खोल दे, आपको आपको शत्रु का एहसास कराए, जो आपको अपने हक के लिए, इतना सब कुछ तो डॉक्टर अम्बेडकर दे गए सब कुछ, जो दे गए उसको भी हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, ये है इस युग की त्रासदी है, गले में माला और विचारों पे ताला। तो आज इस पावन अवसर पे यही हम अपील करेंगे, चलिए ना हम भी 2,000-5,000 हम भी चंदा देंगे, एक स्कूल खोला जाए इन्हीं के नाम पर, और जो सरकारी कायदे कानून, उसके अलावा एक कोर्स हम लोग डेवलप करते हैं, जिसमें जब हम अपने बहुजन नायकों को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो समझेगा कहाँ से, जानेगा कहाँ से, एक कोर्स डिजाइन करते हैं जो बहुजन नायकों पे होगा, यही माता सावित्री बाई फुले को हमारी ओर से श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया।